में 2010 आने वाला है, सारी दुनिया परेशान है। अभी से 3-4 महीने पहले यदि किसी को प्रश्न पूछा होता दुनिया का सबसे अमीर देश कौन, तो किसी ने भी खुल के कह दिया होता अमेरिका। आज नहीं कह सकते, अमेरिका को खुद को शंका है रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी विश्व की अर्थव्यवस्था को जिसने अपने ऊपर लेकर के हमारे जैसे तुम भी बन जाओ, देखो हमने कितना विकास किया, हमारे मॉडल को फॉलो करो, देखो रशिया भी डूब गया, अब तो हम ही बचे, हमारे जैसे बन जाओ करके सबको कहा कि तुम अपने कानून बदलो, तुम अपने तरीके बदलो, तुम व्यापार का तरीका बदलो, तुम हमारी कंपनियों को बुलाओ, हमारा इन्वेस्टमेंट लो, हमारा पैसा लो, हमारे जैसा विकास करो। उस खुद अमेरिका की स्थिति क्या हो गई, अपने गांव में कहते हैं ना कि बड़े वो तो बड़ा खानदानी अमीर है, कहते हैं ना खानदानी अमीर है। और खानदानी अमीर का मतलब क्या, उसने खुद ने भले ही कुछ नहीं किया हो, उसके बाप दादाओं की बहुत संपत्ति है, दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहा है ना, अपने दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना। अमेरिका अपने पोतों की संपत्ति पे ऐश कर रहा है, अपने दूसरी पीढ़ी का खा चुके क्रेडिट कार्ड के भरोसे, अगली दो पीढ़ियों का कर्जा ले चुके हैं। आई एम नॉट जोकिंग, अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों करोड़ों डॉलर्स का कर्जा है, कर्जे में ही डूब रहा है, बैंक डूब गई, इतना कर्जा बांट दिया कि अब कर्जा वापस ही नहीं आ रहा। कर्जा बांटने से पहले कुछ धरोहर लेते हैं ना, तो कहा कि इस घर के ऊपर हम आपको 2 लाख रुपए कर्जा देंगे, घर 5 लाख का है, तो बैंक ने सोचा चलो कर्जा वापस नहीं किया तो 5 लाख का घर बेच करके 5 लाख तो मिल ही जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, टारगेट थे कि इस साल में इतने करोड़ के कर्जे बांटने हैं, दूसरे बैंक को भी टारगेट था इतने करोड़ के कर्जे बांटने, उसने क्या किया उसी कर्जे के ऊपर और एक कर्जा दे दिया। अब 5 लाख और कितने मॉर्गेज पे मॉर्गेज मॉर्गेज पे मॉर्गेज, एक गिरवी रखे हुए घर को फिर गिरवी रख के फिर कितने 8 मॉर्गेज मल्टीपल मॉर्गेज करके देते एक घर के ऊपर 5 लाख के घर के ऊपर 16-17-18 लाख का कर्जा बांट दिया, कहां से वापस आएगा। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। पिछले साल यह पता चला कि यह लेमन ब्रदर्स नाम की इतनी बड़ी बैंक, और यह क्या कर रही है, इतने वर्षों से अपने बैलेंस शीट को और आंकड़ों को बदल बदल के हमने इतने कर्जे बांट दिए, फिर इतने वापस आ गए, इतने चले गए, करते 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 बढ़ा बढ़ा के बैलेंस शीट को, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, लोगों को दिखाया, शेयर के मार्केट से पैसा लिया, और पता चला अब ऐसी स्थिति हो गई कि ये बैलेंस शीट काम नहीं कर सकती। लेमन ब्रदर्स ने हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे कर्जे हमारी संपत्ति से 3 गुना अधिक हो गए। 100 करोड़ की संपत्ति है तो 300 करोड़ का कर्जा है। लेमन ब्रदर्स ने सरकार को कहा आप मदद करो नहीं तो हम तो डूब गए, जितने लोगों के शेयर लगे थे सब डूब गए। और वो जो साइकिल स्टैंड पे अभी कभी एक आध साइकिल स्टैंड को अपन ने गलती से धक्का लग गया तो क्या होता है, सारी साइकिलें धड़ 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 करते गिरती है ना, वो लेमन ब्रदर्स का धक्का क्या लगा, सारा अमेरिका और यूरोप धार 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 करता हुआ गिरता चला गया। क्रैश क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस, डूबने लगे लोगों के पैसे, डूब गए लोगों ने खुदकुशियां करने शुरू की, लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई। पिछले महीने में मात्र पिछले महीने में ये जो पिछला महीना गया नवंबर महीने में, मात्र नवंबर महीने में अमेरिका में 9,90,00,000 लोग बेरोजगार हुए। ये उनके आंकड़े हैं, उनके खुद के आंकड़े रोज बदलते रहते हैं, डॉलर की कीमत रोज गिर रही है, कल गिर गई, इतने जोर से गिरी कि उनको अपने मार्केट बंद करने पड़े यूरोपियन यूनियन में। यह स्थिति बन गई, क्यों हो रहा है, क्योंकि अंधाधुंध बिना